आज इस कलयुग में रिश्तों में कितनी दरार आ गई है। लोग परिवार में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी में आपस में प्रेम नहीं रह गया है। इस तरीके का कलयुग सबके ऊपर सवार है कि लोग अपनों को ही भूल गए हैं और किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आइए सुना रहा हूँ। एक कहानी कहूँ, एक कहानी सुनो, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना। एक कहानी कहो, एक कहानी सुनो, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि सास को माँ मानना चाहिए, लेकिन सास का भी फर्ज बनता है कि वो भी बहू को अपनी बेटी समझे। लेकिन आज तो सब उल्टा ही हो रहा है, ना सास को बहू की कदर है और ना ही बहू को सास की कदर है, और यहीं से झगड़ा शुरू होता है। आइए आगे देखते हैं। इस कलयुग में पहली कमी है, सास बहुओं की बनती नहीं है। सास बहुओं की बनती नहीं है, सास बहुओं की बनती नहीं है। बहू सास बनी, सास बहू बनी, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना। बहू सास बनी, सास बहू बनी, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना। और इस कलयुग में दूसरी कमी क्या बताई गई है? इस कलयुग में भाई भाई का बैरी हुआ है। अपनों को तो पराया कर दिया जाता है और परायों को तो अपना बना लिया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि आखिर अपने अपने ही होते हैं। इस कलयुग में दूसरी कमी है, भाई भाई की बनती नहीं है। भाई दुश्मन बना, दुश्मन भाई बना, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना। भाई दुश्मन बना, दुश्मन भाई बना, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना। और इस कलयुग में तीसरी कमी जो बताई गई है, कैसे एक बेटा अपने माता पिता को ठोकर मार के घर से निकालता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस मोड़ पर उसके माता पिता हैं, उसी मोड़ पर कल उसको भी आना है। क्यों ना हम आज ही ये गलती छोड़कर अपने आप से वादा कर लें कि हम अपने माता पिता की दिल से सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे। इस कलयुग में तीसरी कमी है, बाप बेटे की बनती नहीं है। बाप बेटे की बनती नहीं है, बाप बेटे की बनती नहीं है। बाप बेटा बना, बेटा बाप बना, सुनते जाना। आया कलयुग का कैसा जमाना।